एक ऐसा आइलैंड जिसकी लाइफ वोल्केनो की लाइफ से जुड़ा है, कई वाटरफॉल्स और लेक जिसमें खोलता रहता है गर्म पानी। अगर आप वहाँ गए और राष्ट्रीय व्यंजन खाने का किया ऑर्डर तो खाना पड़ेगा पहाड़ी मेंढक। जी हाँ, ऐसी कई अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें। बात कर रहा हूँ बेहद खूबसूरत रोमांटिक आइलैंड जिसे रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका के नाम से जानते हैं। यह 750 किलोमीटर स्क्वायर में फैला कैरेबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। ये पूरा आइलैंड बिलकोनों से भरा है जो अभी शांत है, पर यह कहना मुश्किल है कि यह फटेगा नहीं। पर जिस दिन यह फटा, पूरा 74,000 आबादी वाला यह खूबसूरत आइलैंड बर्बाद हो जाएगा। ये बातें सभी जानते हैं, फिर भी लाखों पर्यटक प्रत्येक वर्ष आते हैं। आखिर क्यों? जान जोखिम में डालकर आते हैं लोग। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में संक्षिप्त इतिहास पर बात करेंगे, पर अभी इस आइलैंड की खासियत पर बात करते हैं। समुन्द्र में बसा आइलैंड प्रकृति की सुंदर घाटियाँ, पहाड़ों पर घने पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन का प्यार भरा कौतूहल आपके दिलों को प्यार का एहसास दिलाता है। हॉट वाटर फॉल्स के स्नान से सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ कई हॉट वाटर लेक भी हैं, जिसमें स्नान के साथ इसकी खूबसूरती का दीदार के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ कई बीचेस जहाँ पर लोग रोमांस की हदें पार कर जाते हैं। यहाँ वाटर बोटिंग का सैर सपाटा पूरे मस्ती के साथ करते हैं। ठहरने के लिए कई आकर्षक होटल्स भी मौजूद हैं। यहाँ अक्सर फोटोग्राफर घने जंगलों के जीव जंतु का फोटो लेने आते रहते हैं। डोमिनिका बहुत ही गरीब देश है, इसकी खास वजह है कैरेबियन सागर की भयावह तूफान। इस तूफान से यहाँ का कृषि प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है, जिससे यहाँ की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब हो जाती है। यहाँ मुख्य रूप से खेती और पर्यटक ही है जो आय का मुख्य स्रोत। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और करेंसी ईस्ट कैरेबियन डॉलर। यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें भारतीय भी हैं, पर ज्यादातर ईसाई धर्म के लोग दिखेंगे। अरवाक द्वारा बनाया गया इस आइलैंड को सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था। कुछ दिनों बाद फ्रांसीसी लोगों का कब्जा हुआ, इसके बाद ब्रिटिश का। 1790 में क्रिस्ट युद्ध शुरू हुआ और अंत में इस द्वीप को दो खंडों में बांट दिया गया, एक को रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका तो दूसरा को हैती नाम दिया गया। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि आने वाली वीडियो को सुधारा जा सके। जय हिंद, जय भारत।